हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन दी मीटिंग, मीटिंग के बारे में हमको बताना है। एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितने तरीके की मीटिंग होती है, हमको ये भी एक्सप्लेन करना है। राइट अ डिटेल नोट एन एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग पे भी डिटेल नोट लेना है हमको, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के ऊपर भी। तो सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं हमारी कंपनी के मीटिंग के ऊपर। द वर्ड मीटिंग इज नॉट डिफाइंड एनी वेयर इन द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में मीटिंग के बारे में कहीं भी डिफाइन नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी कंपनी में भी डिफाइंड एज गैदरिंग, असेंबलिंग और कमिंग टुगेदर टू टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन जब एक साथ असेंबल हो जाएं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग बोल देते हैं। फॉर डिस्कशन एंड द ट्रांजिशन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस, चाहे वो डिस्कशन के लिए हो, चाहे वो कोई बिजनेस को ट्रांजिशन करने के लिए हो। अ कंपनी मीटिंग में भी डिफाइंड एज अ कॉन्करेंस और द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट अ कोरम ऑफ मेंबर इन ऑर्डर टू ट्रांजिट ईदर ऑर्डिनरी और द स्पेशल बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्पेशल बिजनेस को ट्रांजिट करने के लिए ही ये इंफॉर्मेशन डाली जाती है। Some important definitions of the meeting are given below. कुछ important definitions हमने यहाँ पे दे रखी है meeting की। In the case of the sharp versus Dawes, the meeting is defined as an assembly of the people for the lawful purpose. Lawful purpose के लिए जब assembly डाली जाती है किन्हीं भी लोगों की, और the coming together of at least two persons for any lawful purpose, किसी भी lawful purpose के लिए जब दो persons की calculations को करी जाए। According to the P.K. Ghosh के according, any gathering, assembly or the coming together of two or more persons, दो या दो से ज्यादा person जब एक साथ आते हैं, फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस, किसी भी लॉफुल बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए, lawful business of the common concern is called the meeting, उसी को हम क्या बोलते हैं, meeting बोलते हैं। According to the K. Kishore, a concurrence or the coming together of at least the quorum of a member for the previous notice से ही है, जब एक quorum establish हो जाती है mutual agreement से कोई भी business के transition होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, meeting बोलते हैं। कुछ characteristics देख लेते हैं company के meeting में। दो से ज्यादा persons की जरूरत होती है, एक assembly की जरूरत है जो discussion और transaction के लिए use आए communal और lawful purpose के लिए। previous notice का होना बहुत ज्यादा मीटिंग को कन्वे करने के लिए। मीटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए, पर्टिकुलर डेट होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए। मीटिंग एक तरीके से प्रोविजंस और रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर जो मेंशन है। काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग, कंपनी मीटिंग कितने तरीके की होती है। कंपनी मीटिंग बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई होती है, स्टैचुरी मीटिंग AGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। नेक्स्ट है मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स हो गया, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर के बारे में। तो शेयर होल्डर बेसिकली हमको पता है कि रियल ओनर होते हैं कंपनी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस इनके पास होती है जहां पे ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दे लीव देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल द डायरेक्टर्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे रखते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं सारी एक्टिविटीज जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर होती है टाइम टू टाइम के अंदर। अब क्लासिफाइड बेसिकली हमने कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग की। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है, हर एक पब्लिक कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है उनको एक जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है सारे शेयर होल्डर्स की हर एक पीरियड के अंदर, जो कि एक मंथ के अंदर होनी चाहिए, एंड नॉट मोर देन 6 months का डिले नहीं हो सकता आफ्टर डेट ऑफ ऑथराइजेशन टू कमेंस द बिजनेस, बिजनेस के कमेंस होने से तक। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग, ये सबसे पहली मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की कंपनी के अंदर, और बेसिकली एक बार तो होनी चाहिए पूरी लाइफ टाइम के अंदर कंपनी के। द कंपनी नीड नॉट टू होल्ड द स्टैचुरी मीटिंग, वो कौन सी कंपनी है जिनको होल्ड करने की जरूरत नहीं है स्टैचुरी मीटिंग को, वैसे वो प्राइवेट कंपनी हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, अनलिमिटेड कंपनी हो गई, एक पब्लिक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड कंपनी थी पहले, और एक कंपनी जो कि डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी है अंडर सेक्शन 43, उनको स्टैचुरी मीटिंग की जरूरत नहीं है। नोटिस ऑफ द मीटिंग, डायरेक्टर्स को एक नोटिस देना पड़ता है मीटिंग के लिए सारे मेंबर्स को एटलीस्ट 21 दिन पहले ही मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले 21 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है। अगर नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि वो स्टैचुरी मीटिंग है या नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए स्टैचुरी मीटिंग के ऊपर, द स्टैचुरी मीटिंग मीटिंग इज हेल्ड टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स अबाउट द मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस करा जाता है। शेयर्स को भाई किस तरीके से अलॉट करेंगे, डिटेल्स क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कंक्लूजन क्या होगा कंपनी के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टीपिन, स्टैचुरी मीटिंग इज अ कन्वेंस इन ऑर्डर टू द शेयर होल्डर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सीइंग व्हाट डिग्री ऑफ सक्सेस हैज अटेन ऑन द फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के फ्लोटेशन पे किस तरीके से हमको सक्सेस चाहिए, एन ऑर्डर दैट द
एनी स्पेशल मैटर्स रिक्वायरिंग देयर अप्रूवल, या कोई स्पेशल मैटर्स चाहिए इनके अप्रूवल के रिक्वायरमेंट के लिए हमको, मे लेट बिफोर देम, कोई भी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है? द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड सेंड अ रिपोर्ट। एक डायरेक्टर को रिक्वायर्ड है रिपोर्ट सेंड करने के लिए, जिसको हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बोलते हैं, हर एक मेंबर जो भी कंपनी का है, एटलीस्ट 21 दिन बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग के दे के 21 दिन पहले तक पहले से ही होनी चाहिए। इफ द रिपोर्ट इज सेंड लेटर, अगर बाद में कोई रिपोर्ट लिखी जाती है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली फॉरवर्डेड इफ इट इज सो एग्रीड टू बी द अनएनिमस वोट ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स के अनएनिमस वोट के अकॉर्डिंग सेट करी जाती है, एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, मीटिंग के अंदर किस तरीके से हम वोट डालेंगे। अ कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट शुड बी सेंड टू द रजिस्ट्रार, इसकी जो कॉपी है एक बार रजिस्ट्रार को हम भेजेंगे कि किस तरीके से कॉपी कंक्लूड होनी चाहिए। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मस्ट सेट आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेट आउट होती है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉटेड हैं, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिस्टिंग्विश्ड, दोज आर होली या फिर पार्टली, या तो फुल्ली पेड अप होने चाहिए या फिर पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं ये शेयर होल्डर्स हमारे। इन केस पार्टली पेड, अगर पार्टली पेड अप होते हैं तो पेड अप जब तक नहीं होते जब तक कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा इनके अलॉटेड के टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश रिसीव, जो भी टोटल अमाउंट का कैश रिसीव होगा कंपनी के अंदर, जितने भी शेयर्स अलॉट करे हैं उसके बेसिस के ऊपर उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, उसी तरीके से जैसे शेयर्स को अलॉट करा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट इज द रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ऑफ द पेमेंट्स मेड देयर टू अप टू डेट, अप टू 7 डेज तक का जो रिपोर्ट तैयार होता है उसके बेसिस पे अगर डेटा सेट होता है, रिसिप्ट ऑफ द कंपनी देयर टू फ्रॉम द शेयर्स एंड डिबेंचर अदर सोर्सेस ऑफ द पेमेंट, पेमेंट के अदर सोर्सेस क्या हैं, किस तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट किया जा रहा है, देयर टू एंड द पर्टिकुलर कंसर्निंग द बैलेंस ऑफ द रिमेनिंग इन हैंड, और हाथ के अंदर कितना बैलेंस हमारे पास है, एंड एन अकाउंट और एस्टीमेट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, और कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, शोइंग द सेपरेटली एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड और to be paid on the issue or the sale or the share of the shares or debentures, sale करना है हमको shares या debentures को, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें काम में आती हैं। डायरेक्टर्स ऑडिटर्स एंड द अदर मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर्स ऑडिटर्स और अदर मैनेजरियल पर्सनल्स का क्या रोल है, द नेम एड्रेस एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स और ऑल्सो इट्स मेंबर्स एंड सेक्रेटरी, उसके मेंबर्स और उसकी सेक्रेटरी का भी यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, इफ एनी एंड द चेंजेस विच हैव बीन अकर्ड सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के डेट तक जितने भी चेंजेस आए हैं उनको भी अचीव होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्कीम, द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड द मॉडिफिकेशन और द प्रपोज मॉडिफिकेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू बी सबमिटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के मेंबर्स के लिए जब तक ये सारी चीजें अप्रूव हो नहीं जाती तब तक ये सिनेरियो चलता रहता है। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, to the extent to which the underwriting contract if any has not been carried out and the reason there to, underwriting contract किस तरीके से हम carry out कर रहे हैं और इन सब चीजों का क्या reason है। arrears of the calls, calls के arrears क्या हैं, the arrears if any due on the calls from any director and the manager, manager या फिर किसी भी director के arrears के हिसाब से हमारी calculations चलती है। commission of the brokerage, the particulars of any commission of the brokerage paid to be paid to any director or the manager in connection to which issue of shares or debentures of the company, जो कि issue कर रहा है अपने shares और अपने debentures को company के। certificates of report, the statutory report must be certified as a correct by not less than 2 directors, कम से कम 2 directors होने चाहिए, one of whom shall be the managing director, एक तो उनमें से managing director हो, the auditors of the company then shall certify it as a correct regarding the shares allotted, कितने shares हमने भाई उनको allot कर रखे हैं, cash received in respect of such shares, कितने shares का cash हमने receive करा है, and the receipts and payment of the company, और company के receipts and payment क्या क्या है। a certified copy of the statutory report shall be filed within the registrar for the registration, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को एक कॉपी फाइल करनी पड़ती है, आफ्टर द सेम हैज बीन सेंड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स तक वो सारी चीजें पहुंच जाती हैं। प्रोसीजर ऑफ एट द मीटिंग, मीटिंग के अंदर क्या प्रोसीजर सेट करते हैं, एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द बोर्ड शैल प्लेस अ लिस्ट शोइंग द नेम एड्रेस एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने होल्ड अप करे हैं इसके अंदर। ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द मीटिंग द लिस्ट शैल बी रिमेन ओपन फॉर द इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स, मेंबर्स के इंस्पेक्शन तक ये रिपोर्ट खुली रहती है। इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अगर डिफॉल्ट आ जाता है प्रोविजंस को कंप्लाई करने में जो सेक्शन 165 के अंदर मेंशन है, हर एक डायरेक्टर और हर एक ऑफिसर जो डिफॉल्ट के अंदर है उसको फाइन देना पड़ेगा जो कि ₹500 तक का चलता है। अगर स्टैचुरी मीटिंग अगर हेल्ड नहीं होती है, स्टैचुरी रिपोर्ट नहीं फाइल करी जाती है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो कंपनी में तो कंपनी को एक तरीके से क्या हो जाता है, नुकसान होता है इन चीजों का, एंड
बाउंड अप अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोड, और ऑर्डर्स ऑफ द कोड के ऊपर बाउंड अप चीजें चलती है। द कोर्ट में हाउएवर गिव द डायरेक्शन फॉर द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू बी फाइल्ड और अ मीटिंग टू बी हेल्ड एज इन द केस मे बी रिफ्यूज द ऑर्डर टू वाइंड अप ऑफ द कंपनी। कंपनी कई बार वाइंड अप भी हो जाती है इस कारण से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। इट इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर विच इज हेल्ड वंस इन अ ईयर। ये वो मीटिंग होती है जो कि एक साल में एक बार रखी जाती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल्डिंग दिस मीटिंग इज टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रिव्यूज यहाँ पे सेट करे जाते हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव है कंपनी का किसी भी चीज को देखते हुए। एंड इलेक्ट्स इट्स ऑफिसर बियर्स फॉर द कमिंग ईयर, कमिंग ईयर के अंदर किस तरीके से वो इलेक्शंस कंडक्ट करा रही है। होल्डिंग ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को किस तरीके से हम होल्ड कर सकते हैं। द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज हेल्ड विद इन 18 मंथ्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 18 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। आफ्टर होल्डिंग सच मीटिंग इट इज नॉट नेसेसरी टू होल्ड एनी अदर एनुअल जनरल मीटिंग इन द ईयर। इस ईयर के अंदर और कोई इनकॉर्पोरेशन के बाद मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड इन द नेक्स्ट ईयर तक भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक बार 18 महीने के अंदर अगर कोई भी मीटिंग हो जाती है तो 2 साल तक हमको रिलीफ मिल जाता है मीटिंग करने के लिए। Subsequent annual general meeting held by the each year within 6 months of the closing of the financial year. Financial year closing होते होते 6 महीने के अंदर अंदर तक हो जानी चाहिए। First the interval between the two annual general meeting must be more than 15 months. मतलब दो annual general meeting के अंदर जो difference होता है वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। The registrar is empowered to extend the time up to the period up to 3 months except in the case of first annual general meeting. लेकिन registrar उनको एक permission दे सकता है 3 महीने का और delay दे सकता है। मतलब 15 की जगह 18 महीने का डिले हो सकता है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ये भी पॉसिबल नहीं है। नोटिस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग गिवन 21 दिन का नोटिस चाहिए सारे मेंबर्स को जो भी एंटाइटल्ड हुआ है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। हाउएवर सच अ मीटिंग में बी कॉल्ड विद द शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस के अंदर भी ये मीटिंग को कॉल्ड अप करा जा सकता है। इफ इट इज एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स टू वोट इन सच इन द मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर जब सारे मेंबर्स की परमिशन मिल जाए हमको वोट करने के लिए। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सर्टिफाइड कॉपीज किस तरीके से सेट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट की या डायरेक्टर्स रिपोर्ट की या फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट की, should be forwarded to the members at least 21 days before. 21 दिन पहले ही ये हो जाना चाहिए मीटिंग से। Consider the importance of the annual general meeting to the shareholder. It has been held that the directors must call the meeting even though the accounts are not ready. Accounts जब तक ready भी नहीं हो तब भी directors को एक report भेजना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। Effect of non-compliance, non-compliance के लिए क्या effect डाला गया है। If the default is made in the holding the annual general meeting, अगर कोई भी गलती हो जाती है annual general meeting को hold करने के लिए, in accordance with the above provision, the central government may, on the application of the members of the company, central government एक notice दे सकती है to call the direct meeting and give the directions or purpose for this thing proper, और वो ऐसे direction देगी जो लगता है best suitable direction हो सकता है। The direction may include that one member of the company present in it by person or by the proxy shall be deemed to be constitute the meeting. मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। इफ द डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन, अगर अबव प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई भी डिले होता है, द कंपनी एंड इट्स एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, उनको पनिशमेंट करा जाएगा 500 से लेकर और कंटिन्यू अगर डिफॉल्ट करा जाता है तो हर दिन 250 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट रूटीन बिजनेस, एडॉप्शन ऑफ द एनुअल अकाउंट सही है, डायरेक्टर रिपोर्ट्स ये, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स ये, डिक्लेयर करना डिविडेंड को, इलेक्ट करना सारे डायरेक्टर्स को जब भी कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है या रोटेशन के थ्रू, अपॉइंट करना सारे ऑडिटर्स को और फिक्स करना सारे रेमुनरेशन को, स्पेशल बिजनेस के अंदर इंक्रीज करना सारे ऑथराइज कैपिटल को और ऑल्टर करना सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में आप पढ़ते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज द जनरल मीटिंग हेल्ड इन द टू एनुअल जनरल मीटिंग। जब दो एनुअल जनरल मीटिंग्स हेल्ड होती है तो एक ईजीएम की भी जरूरत पड़ जाती है। EGM is called to discuss any particular matter of urgent importance. EGM call करी जाती है जब कोई urgently कोई भी matter सबसे ज़्यादा important हो कंपनी के लिए। This meeting is called for the consideration of any specific subject. किसी भी एक particular specific subject के लिए इसको call up करा जाता है। And डिसीजन विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जब डिसीजन नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। दिस मीटिंग में ऑल्सो कॉल टू डिस्कस द फॉलोइंग, कुछ फॉलोइंग ऑल्टरेशन यहाँ पे आते हैं इस मीटिंग के अंदर। द ऑल्टरेशन ऑफ एनी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज यहाँ पे लगता है। चेंजेस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं। और द स्कीम्स ऑफ द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, और रिडक्शन भी हो सकता है किसी भी शेयर कैपिटल के अंदर। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी called by the directors or maybe
convened by the shareholder if the board of directors of does not arrange for it despite their requisition to call it. जब तक board of directors permission नहीं देते इन सब चीजों को maintain करने की. Directors may call the extraordinary general meeting in accordance with the procedure laid down in the articles of association. जब तक कोई procedure laid down नहीं करते हैं articles of association के through company के अंदर. Shareholders hold at least 1/10 of the paid up share capital. Shareholder hold करने से 1/10 of the share capital को of the company can make a requisition to the board of directors. Board of directors को वो requisition डाल सकते हैं to convince such a meeting. उन meeting को convince करने के लिए. If due to any reason, अगर किसी भी reason के कारण ये impractical हो जाता है hold करना किसी भी AGM को meeting, the company law board may order to call such meeting either on their own initiative, या तो खुद के initiative से वो कभी भी call कर सकते हैं meeting को, या फिर कोई भी member एक application file कर सकता है, या voting के through भी call करी जा सकती है. Section 186 of the Companies Act empowers the company law board to call only the extraordinary general meeting and not the annual general meeting of the company. Section 186 के अंदर सिर्फ annual EGM के बारे में mention है, AGM के बारे में mention नहीं है. अगर कोई भी ऐसी meeting convince नहीं हो जाती 21 दिन के अंदर अंदर their requisition, the shareholders may themselves convince the meeting within 3 months from the date of requisition. 3 महीने के अंदर अंदर वो सारी meetings होनी चाहिए. अगर notice 21 दिन के बाद indicate करता है nature or particular of the resolution discuss, the special resolution pass होना चाहिए AGM के अंदर और file हो जाना चाहिए registrar के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर तक. Next हम बात करते हैं class meeting. When the meeting of a particular class of the shareholder takes place, such as the preference shareholder meeting हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं class meeting. जब particular एक particular class के shareholder को ही अपनी meeting रख रहे हैं, तो वो class meeting होती है. Such meeting can be attended only by the class of the shareholder. Shareholder की class से ही attend करा जाएगा. The articles define the procedure for calling such meeting. Articles define करते हैं सारी procedure जिसके through ये meeting को call up करा जाता है. Such a meeting is called for the alteration in the rights and the privileges of the shareholder. Shareholder के privileges और rights के ऊपर ये meeting setup करी जाती है. And for the purpose of conversion of one class of the shares into the another, एक class के अंदर दूसरा class क्या करता है, differentiate करता है इसके basis के ऊपर. Meeting of directors, directors की meeting कैसे set होती है. The meeting of the board of directors, at least one meeting in every 3 months, हर 3 month के अंदर एक meeting होनी चाहिए. The directors of the company exercise most of their powers in the joint meeting called the meeting meeting of the board. Joint meeting के अंदर ये आना चाहिए जिसको हम meeting of the board भी बोलते हैं. In the case of every company, a meeting of the board of directors must be held. एक meeting होनी चाहिए board of directors की at least once in every 3 months, हर 3 महीने में एक meeting होनी चाहिए. At least for each such meetings shall be held in every year. हर year के अंदर 4 ऐसी meeting होनी चाहिए. In other words, no 3 months should be passed without such director. हर 3 महीने में एक meeting होनी चाहिए. इसके अलावा कोई भी difference नहीं होता है meeting को कराने का. However, the central government is empowered to relax the rules regarding the class of the company. The object of the provision saves smaller companies have insufficient businesses to transit the board meeting from the unnecessary hardship and expenditure in holding them. अब छोटी classes की companies जो होती है उनको relaxation देती है हमारी government, जैसे इनको कराने की जरूरत नहीं, जिससे उनके पास pressure नहीं पड़े, उनका फालतू expenditure नहीं बढ़ना चाहिए. Notice of the meeting. Notice of every meeting of the board of directors must be given in written every director in the India and as a usual address in India to the every other director who is outside the India for time being. जो बाहर रह रहा हो इंडिया के एक time being के अंदर, a director has no power to waive his right to notice. Director के पास कोई power नहीं है right of notice को waive off करने के लिए. Notice must be given to the director. Director को कोई ना कोई notice देना पड़ता है. Even if he stated that he will be unable to attend the meetings, अगर उसको पता भी चला जब वो attend नहीं कर सकता उन meetings को, there is no need to send the notice if the articles provide the meetings to be held at the regular intervals. कोई भी notice देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर पहले से हमको बताओ meeting कब हो रही है. Monthly the time and the place being fixed, time or place fixed hona chahiye. Also, if all the directors should meet casually and are willing to hold the meeting can be not withstand an absence of the notice. Notice ke bina koi bhi meeting ko hum rakh nahi sakte hain. Ab baat karte hain hum agenda kya hona chahiye, bhai topic kya hona chahiye kisi meeting ka. To agenda kya hota hai, jo bhi kaam humko karna hai, jo bhi cheeze present karni hai, ek statement hai business ka jo transit karti hai us meeting ke andar, sare points, sari cheeze, ye basically Companies Act ke andar hi mention hai. सेक्रेटरी को सारा एजेंडा भेजना पड़ता है नोटिस के अंदर बोर्ड मीटिंग के लिए. जब भी उसके बाद ही एक नोटिस को बुलाया जाता है किसी भी मीटिंग को कॉल्ड अप करने के लिए, मतलब टॉपिक्स को सबसे पहले बताया जाएगा उस नोटिस के थ्रू, उसके बाद ही मीटिंग को कंडक्ट करा जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरम के बारे में. तो कोरम क्या होती है,
देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कोरम फॉर द एवरी मीटिंग. हर मीटिंग के लिए प्रॉपर कोरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. कोरम का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स और वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज मोर इज सब्जेक्ट टू बी द मिनिमम टू डायरेक्टर्स. मिनिमम दो डायरेक्टर्स हो सकते हैं इन चीजों के ऊपर. अगेन द डायरेक्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द रिजोल्यूशन, अगर कोई भी रिजोल्यूशन के अंदर कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है टू पास द बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ द कोरम ऑफ दैट रिजोल्यूशन. कोई भी कोरम पास अप नहीं होता उस रिजोल्यूशन के अंदर. If at any time the number of interested directors exceeds or equal to the 2/3 of the total strength of the director, total strength ki 2/3 ka hissa jab ban jata hai, then the remaining directors who are not interested will be the quorum of that item. Remaining directors jo interested nahi hai wo called up karte hain is quorum ko, provided that the number is not less than 2. Number 2 se kam nahi ho sakta hai. If the meeting of the board could not be held for the want of the quorum, quorum ki want ke liye jab meeting ko held up kara jata hai, shall be automatically stand adjourned at the same day on the or the next week at the same time and same place. अगर meeting की वजह से meeting नहीं हो पाती किसी भी कारण से तो उसको adjourn कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है. Next time के अंदर next date के ऊपर same time same place के ऊपर meeting रखी जाती है. बोर्ड मीटिंग्स आर कॉल्ड फॉर द फॉलोइंग बिजनेसेस. कौन कौन से बिजनेस को बोर्ड मीटिंग्स की जरूरत पड़ती है? जो कि शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हैं, जो कॉल्स करते हैं शेयर्स के लिए, जो कोर्पीट करते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं, टू फिक्स द रेट ऑफ डिविडेंड की रेट्स को फिक्स करने के लिए, लोन के लिए, वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, जो सोचने के लिए डिफिकल्टीज के बारे में, पॉलिसीज को बनाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सारी पॉलिसीज को. नेक्स्ट हम बात करते हैं मीटिंग ऑफ द कमिटीज ऑफ द डायरेक्टर. डायरेक्टर और कमिटीज की मीटिंग को किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यहाँ पे? तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे फॉर्म द सर्टेन कमिटीज एंड डेलीगेट सम ऑफ द पावर्स टू देम. कुछ मीटिंग्स डेलीगेट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी और कमिटीज को भी, और कुछ पावर्स भी उनको मिल जाती है. दीज कमिटीज शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली डायरेक्टर्स. ये मीटिंग्स एक तरीके से डायरेक्टर्स की ही होती है. द डेलीगेशन ऑफ द पावर ऑफ सच कमिटीज इज टू बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए एंड शुड बी सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए. इन अ लार्ज company, the routine matters like the allotment, transfer, finance are handled by the subcommittees of the board of directors. Board of directors ki subcommittees se sari cheeze registered honi chahiye. The meeting of such committees are held in the same way as those of the board meetings. Ye jo meetings hai ye same tarike se honi chahiye jaise board meetings ke andar ho raha hai. Meetings of the creditors. The meetings of the creditors are called when the company proposes to make a scheme for the arrangement within its creditors. Creditors के अंदर जब कोई arrangement का criteria चलता है, जब जो meeting रखी जाती है उसको ही हम ये meeting का criteria देते हैं. Section 391 to 393 of the Companies Act not only give the powers to the company, सिर्फ company को ही वो power नहीं देते to compromise with the creditors, but also lay down the procedure for doing so. किस तरीके से procedure है कोई भी काम को करने का, वो भी यहाँ पे include हो जाता है. Meetings of the debenture holder. Debenture holder की meeting का क्राइटेरिया क्या होता है? मीटिंग्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट. डिबेंचर ट्रस्ट डीड के कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग ये मीटिंग को सेट करते हैं हम. दीस मीटिंग आर कॉल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर इन्वॉल्वड एट अ टाइम ऑफ रीकंस्ट्रक्शन. जब रीकंस्ट्रक्शन के अंदर, रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर कोई अमलगामेशन मतलब मिलती है दो कंपनीज या किसी भी कंपनी का वाइंड अप होता है, तब ये मीटिंग को रखा जाता है. द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंटर्ड इन द ट्रस्ट डीड रिलेट टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग. मीटिंग का नोटिस क्या है, वो अपॉइंटमेंट क्या कैसे होगा चेयरमैन का, क्या रिजोल्यूशंस को पास करना, कोरम कितनी है मीटिंग के अंदर, राइटिंग और साइनिंग ऑफ माइनोट्स को भी साइन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन हो जाती है. तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया है हमने मीटिंग्स के बारे में. एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, जनरल मीटिंग क्या होता है, स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है. उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.